हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जे मोटिवेशन। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर करंट अफेयर टिप्स की। दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ नोट्स के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, हेडिंग्स के बारे में और मेन टॉपिक जो करंट अफेयर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, FRI का चाहे आपने एग्ज़ाम दिया है या फिर आपने एयरफोर्स के लिए जो है LDC में एग्ज़ाम दिया है या फिर MTS के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है, किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी संस्थान में आपने जो है दोस्तों अप्लाई किया है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। दोस्तों, करंट अफेयर टिप्स हर किसी का जो है सिलेबस का एक पार्ट होता है करंट अफेयर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू डू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि आपको किस तरह प्रिपेयर होना है एग्जामिनेशन के लिए, क्या क्या नोट्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या आपको यहाँ पे मेन टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने होते हैं। करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि आपको हर एक जॉब में आपको ये पूछा जाएगा, तो दोस्तों इसलिए आपको यहाँ पर ये प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और मुझे दोस्तों लास्ट में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसा रहा। इस पर मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए बनाने वाला हूँ, वो भी मेरा तैयार है। दोस्तों, शाम तक मैं उस वीडियो को भी आपको यहाँ पर दे दूँगा। ये पार्ट वन है, पार्ट टू जल्दी आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, किस तरह आपने करंट अफेयर में पढ़ना है और क्या क्या मेन हेडिंग है, किसके ऊपर आपने स्टडी करनी है और किसके ऊपर आपने ज़्यादा बेसिक ध्यान देना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक से हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे आ जाता है बुक्स एंड ऑथर, यानी दोस्तों आपको पढ़ना है करंट अफेयर के अंदर बुक्स, कौन कौन सी बुक्स लिखी गई हैं और किस ऑथर के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। आपको यहाँ पे करंट अफेयर में बुक्स के बारे में बताया जाएगा, बुक्स पूछे जा सकते हैं और नॉवेल्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा नॉवल किसके द्वारा लिखा गया है, ऑथर्स के नाम आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। सेकेंड बात कर लेते हो दोस्तों यहाँ पर, तो सेकेंड टॉपिक निकल कर आता है अवार्ड गिवन 2017 एंड 2018, यानी अवार्ड्स हो गया या फिर प्राइज़ हो गया दोस्तों, नोबल प्राइजेस हो गया, जैसे 2017 का फिजिक्स सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, दोस्तों अलग अलग जो है यहाँ पर प्राइजेस दिए जा रहे हैं। या फिर आप स्पोर्ट्स से ले लीजिए, स्पोर्ट्स में कौन सा अवार्ड किस खेल में किस जो है स्पोर्ट पर्सन को मिला है और किसने क्या रिकॉर्ड तय किया है। दोस्तों, आपको करंट अफेयर यानी पिछले एक साल का, कम से कम जैसे अप्रैल का मंथ अभी चल रहा है तो पिछले अप्रैल तक का जो है आपको यहाँ पर कम से कम याद करना होगा या फिर उनको बाय हेड टिप्स में या रटना होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर किसी भी एग्ज़ाम में आपको अवार्ड्स पूछा जा सकता है, किस खेल में किसको मिला है, किस फील्ड में किसको मिला गया है, दिया गया है दोस्तों, ये चीज़ आपको पूछी जा सकती है। यहाँ पर दोस्तों प्राइजेज, नोबल प्राइजेज को भी ध्यान रखिए, नोबल प्राइजेज यहाँ पे मिल सकता है दोस्तों। तीसरा टॉपिक दोस्तों यहाँ पर आता है आर्मी अपडेट्स, यानी आपको आर्मी का यहाँ पर अपडेट्स रखना होगा, आर्मी में कौन सा जो है दोस्तों यहाँ पर किस पद पर किसकी नियुक्ति की गई है या फिर दोस्तों आर्मी में क्या अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या चीज़ लॉन्च की जा रही है, नेवी के अंदर हो गया या फिर एयरफोर्स के अंदर हो गया दोस्तों, जैसे कि नए अपडेट्स मिलते रहते हैं, डिफेंस में अपडेट जो है दिए जाते हैं और रैंक्स चेंज होती है, जो है ऑफिसर्स रैंक्स चेंज होती हैं और दोस्तों इस दौरान कोई भी अपडेट्स आर्मी की ओर से आती है तो दोस्तों आपका इसमें उसको भी आपको यहाँ पर याद करना होगा या फिर रखना होगा अपने टिप्स पर दोस्तों। चौथा टॉपिक यहाँ पर निकल करके आता है करंट पॉलिटिक्स एंड दोस्तों फिजिकल न्यूज़, यानी करंट में अभी जो लेटेस्ट जो अभी न्यूज़ हो चलती हैं दोस्तों, देश में फिजिकल या पॉलिटिकल गतिविधियां जो चल रही हैं, चाहे या फिर करप्शन से हो या फिर आपका दोस्तों किसी भी सीट से हो, किसी भी सीट चेंजिंग से हो या फिर इलेक्शन से रिलेटेड हो या फिर किसी मुद्दे पे बहस छिड़ी हो दोस्तों, इस चीज़ के बारे में आपको कब, क्यों और कहाँ, कैसे, ये चार बातें आपको इसमें ध्यान रखने वाली हैं। तो दोस्तों ये भी आपका जो है मेन टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है कि करंट में जो है किस तरह की गतिविधियाँ, कहाँ पर दोस्तों ये किस, जैसे SSC का भी एग्ज़ाम लीक किया गया है दोस्तों, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कितने तारीख से कितने तारीख तक यहाँ पे जो है। और जैसे कि अभी ये जो है दोस्तों आरक्षण से लेकर बहसबाजी चल रही है देश में दोस्तों, तो इसमें कितना नुकसान कहाँ हो गया है दोस्तों, ये सब आपको यहाँ पे जानकारी रखनी होगी। तो यही दोस्तों करंट अफेयर के अंदर आ जाता है, मेन जो चीज़ें यहाँ पर दी जाती है दोस्तों, यही दी जाती है जो कि देश में इस वक्त चल रही हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ कि
न्यूज़पेपर आपको लगाना होगा दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। डेली न्यूज़पेपर में दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कोई भी न्यूज़ जो है आपको करंट अफेयर के अंदर ही पूछा जाता है दोस्तों। आपकी जो है डेली की हैबिट आप इसको डाल लीजिए कि आपको डेली न्यूज़पेपर को पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक निकल कर के आता है फाइव ईयर स्कीम्स, यानी फाइव ईयर स्कीम्स के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखी जाए तो पंचवर्षीय योजनाएँ जो है, इससे हर बार हर करंट अफेयर में जो है दो दो क्वेश्चन इसमें बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें दोस्तों इन्वेंशंस यानी खोज, किसने किस चीज़ की खोज की दोस्तों, यहाँ पर खोज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, इसमें हिस्ट्री भी आ सकता है दोस्तों, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों बायो से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, केमिस्ट्री हो गया दोस्तों, फिजिक्स हो गया, इन्वेंशन के अंदर सारी चीज़ें लगभग आ जाती है, मैथमेटिक्स भी आ जाती है, अंकगणित भी दोस्तों इसमें पूछी जा सकती है दोस्तों। डिफेंस न्यूज़ नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर दिया जाता है, डिफेंस न्यूज़ अपडेट, डिफेंस के बारे में आपको न्यूज़ रखना होगा दोस्तों। यहाँ पर डिफेंस का मैंने अभी पहले भी बताया है कि डिफेंस के बारे में आपको यहाँ पर अपडेट रखनी होगी दोस्तों। जिस तरह से लॉन्च किया जाता है नई चीज़ें, नई नई जो है उपकरण से जो है आर्मी के अंदर आती है, नेवी में शामिल की जाती है, या फिर कोई शिप हो गया, मरीन हो गया दोस्तों, जो शामिल की जाती है उनका नाम, उनका जो है ईयर कौन से ईयर में वो लॉन्च की गई है, और दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी होगी दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्लोगन दोस्तों, यहाँ पर किसने किसको क्या कहा दोस्तों, यहाँ पर स्लोगन आपको पढ़ना होगा, किसने कौन सा जो है स्लोगन किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, ये चीज़ आपको पढ़नी होगी। या फिर आपका जो है हिस्ट्री से भी बन सकता है स्लोगन, या फिर दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री आपका यहाँ पर कहीं से बन सकता है, लेकिन आपको इसको जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर में पढ़ना होगा। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक रह जाता है वो है लॉ आर्टिकल्स दोस्तों, लॉ आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद यहाँ पर पूछे जाते हैं, किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत कौन सा लॉ आता है दोस्तों, इस तरह के जो है करंट अफेयर के अंदर यहाँ पे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे कि रिवर्स हो गया यानी आपके पर्वत हो गया, और नदियाँ हो गई, और दोस्तों यहाँ पर स्टेट्स की कैपिटल्स भी पूछी जा सकती है आपको करंट अफेयर के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों निकल करके आते हैं, आपको उस जो है वो लेवल आपको मैं नेक्स्ट पेपर में बताने वाला हूँ। और दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों इसको चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ और नए टॉपिक्स, जो कि जो है इससे थोड़ा हट करके हैं दोस्तों, एडवांस टॉपिक इसमें देने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ताकि दोस्तों इन्फॉर्मेशन सबके काम में आ सके। थैंक यू।